हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी नर्सिंग कोर्स। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या होता है ये प्रोफेशन, क्या क्वालिफिकेशंस है, इनके सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे ये कोर्स होता क्या है? मेडिकल कोर्स में एक डॉक्टर्स होते हैं जो अपन वो हॉस्पिटल में देखते हैं, और उसके टेक केयर करने के लिए नर्सेज होती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो जो मरीज़ को देखता है वो उसके ट्रीटमेंट लिखता है, उसके बारे में पूरा ऑपरेशन करना होता है या उसको मेडिसिन बतानी होती है, वो सारे काम डॉक्टर्स के होते हैं। बट जो बाकी जो केयर करनी होती है पेशेंट की, उसको दवाई से लेके उसकी हर केयर तक, तो वो सब केयर करती है नर्स करती है। अपन बीएससी नर्सिंग के बारे में बताएंगे। तो बीएससी नर्सिंग के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या है ये सारे, इसके पॉइंट वाइज मैं आपको ये बताऊंगा आप अच्छे से, ठीक है। अपन देखते हैं इसके बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग कोर्स, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी एज लिमिट्स कितनी हैं, व्हेन फॉर्म विल कम, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कोर्स ड्यूरेशन क्या है, और उसका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं, और सिलेबस, टॉप कॉलेजेस, और जो ये एक कोर्स करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी जॉब कर सकते हैं अपन, और व्हेन डू वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपन कब करते हैं और कैसे करते हैं। अब मैं आपको ना देरी करते हुए बताता हूँ आपको बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट एक डिग्री कोर्स है जिसमें आपको एक अच्छी इनकम मिलती है, और वेल रेस्पेक्टेड ये प्रोफेशन होता है, जो मेडिकल प्रोफेशन होता है वेल रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है, नोबेल प्रोफेशन, जिसके अंदर अपन को ये अच्छी इनकम भी मिलती है। नेक्स्ट है कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो क्वालिफिकेशंस ये हैं कि 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी पीसीबी स्ट्रीम से, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो होना चाहिए, उससे पास आउट होना चाहिए 12th में, और मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 55%, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसकी मिनिमम 17 ईयर्स होती है, और कई कई जगह इसकी एज लिमिट इसे 18 भी हो सकती है, बट मिनिमम 17 है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन फॉर्म विल कम, फॉर्म कब आते हैं, और कब कौन कंडक्ट करवाता है, कौन कैसे कर सकते हैं इसको। तो फॉर्म के बारे में ये है कि एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो ये एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स का, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग कॉलेजेस है ना, वो अपने अकॉर्डिंग करवाती हैं, और इसको राजस्थान यूनिवर्सिटी होती है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसको RUHS बोलते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये करवाती है अपने हिसाब से कोर्स। तो इसमें राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2022 का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, वो आएंगे नवंबर 2022, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे भरे जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा इसका, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है और फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा आपको, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं सॉरी फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। और इसको कंडक्ट कौन करवाती है, वही मैंने आपको बताया, RUHS करवाती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इसको करवाती है, और एग्ज़ाम का टाइप होता है यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है फॉर्म फीस कितनी है इसकी। ये कैटेगरी वाइज है, जनरल और OBC की है 1500, और ST और SC की है 750 रुपये, ठीक है, फॉर्म फीस होती है। और कॉलेज फीस क्या है, गवर्नमेंट की कॉलेज की है 40,000 से 80,000 तक है, और इसकी प्राइवेट कॉलेजेस की 80,000 से 1.5 लाख इतनी फीस होती है इसकी, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसका, कितने साल का कोर्स होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न किस पैटर्न पे आता है एग्ज़ाम, ये 12th लेवल की जो भी 12th लेवल के सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ये उनके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, ठीक है। इसका सिलेबस वो जो मैंने बताया अभी 12th बेस पे है, जो PCB का होता है वही सब है इसका। अब इसके टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं वो देखते हैं। टॉप कॉलेजेस में आती हैं फर्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर में है। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और नेक्स्ट है एम्स दिल्ली रहा। नेक्स्ट है फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में है। नेक्स्ट है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी। नेक्स्ट है निम्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है। नेक्स्ट आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे।
कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ये सारे इसके टॉप कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट, अब आपको बताते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, जॉब के स्कोप्स क्या क्या हैं इस कोर्स करने के बाद हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं अपन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजिकल सेंटर्स पे काम कर सकते हैं, और रिसर्च सेंटर, इंडियन फोर्सेज जो होते हैं, और रेलवेज, और नर्सिंग लेक्चरर या नर्सिंग ट्यूटर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो वैसे एज ए टीचर आप वो सब कर सकते हैं। ये सारी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये जो तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप 12th पास आउट होने के बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। NCERT को पढ़ें, NCERT बुक्स को पढ़ें, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करते हैं, और जो शॉर्ट पेपर्स लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करके उनको पढ़ सकते हैं अपन। तो उन सब को प्रिपेयर करने के बाद आपको ये BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम आप फॉर्म करें और फिल कर सकते हैं आप। तो ये सब छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन थी BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो ये सारी मैंने आपको बता दी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है वो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।